तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल वन मिनट स्पोर्ट्स में। दोस्तों जैसा कि भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच 9 तारीख से खेला जाएगा और ये 5 टी20 मैच कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के पहले इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है तो केएल राहुल के पास भी एक बड़ा मौका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया को किस प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए और क्या उमरान मलिक को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्लेइंग 11 बताएंगे और टीम्स भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। वैसे अगर बात करें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच काफी ज्यादा कहीं ना कहीं रोमांचक होने वाला है क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी, वह इंडिया शायद अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेलेगी क्योंकि इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, इंडिया के पास विराट कोहली नहीं होंगे और इंडिया के पास रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी नहीं होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मैन, एक आदमी बाहर जाता है तो दूसरे आदमी के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलिए पहले मैं आपको टीम बता देते हैं दोनों टीमों की। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो अपनी जो टीम कोर बनाई है उसमें केएल राहुल कैप्टेंसी करेंगे, वहीं केएल राहुल के बाद ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन हुआ है, ईशान किशन का हुआ है, दीपक हुड्डा है, श्रेयस अय्यर है, ऋषभ पंत है जो कि वाइस कैप्टन है इस मैच साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया के मैच में, फिर दिनेश कार्तिक है, हार्दिक पांड्या है, वेंकटेश अय्यर है, यजुवेंद्र चहल की वापसी हुई है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, रवि बिश्नोई है, भुवनेश्वर कुमार है, हर्षल पटेल है, अवैश खान है, अक्षदीप सिंह है और उमरान मलिक है। तो ये है इंडिया का स्क्वाड। अगर वहीं साउथ अफ्रीका का देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में टेम्बा बमुंगा जो कि कैप्टन है, क्वेंटन डिकॉक है, रिजा हेनरिक्स है, हेनरिच क्लासन है, केशव महाराज है, एडन माक्रम है, डेविड मिलर है, लुंगी एंगिडी है, एन एच नोकिया है, वाइनी पार्नेल है, डेविन पिटोरियस है, कगिशो रवाडा है, तब्रेज शमसी है, त्रिशन स्टप्स है, राशिमेंडर डूसन है और मार्को यानसन है। अगर बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की तो साउथ अफ्रीका टीम बहुत अच्छी टीम लग रही है और इंडिया से थोड़ा सा स्ट्रांग लग रही है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के न रहने से शायद थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। हालांकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया अपने होम टाउन पे खेल रही है। अगर इनकी बात करें साउथ अफ्रीका के पास तो इनकी अगर बैटिंग में देखा जाए तो मैं टेम्बा बमुंगा बहुत अच्छे प्लेयर, क्वेंटन डिकॉक हैं, हेनरिच क्लासन दुनिया जानती है, फिर इसके बाद एडम माक्रम आईपीएल में कैसा परफॉर्मेंस था ये आप देख चुके हैं, डेविड मिलर का परफॉर्मेंस कैसा था गुजरात टाइटंस के लिए भी आप देख चुके हैं, साथ ही साथ अगर डेविन पिटोरियस जो कि सीएसके के लिए खेले अच्छे दिखे, रसिवेंडर डूसन भी बहुत अच्छी पारी खेले हैं, इसके पहले जब इंडिया का मैच था तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने 2-3 पारियां बहुत अच्छी खेली थी, तो साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी होने वाली है। अगर बात करें इंडिया की टीम की तो अगर इंडिया की एक प्रॉबल प्लेइंग 11 अगर हम बनाते हैं तो चलिए हम बनाते हैं इंडिया की क्या प्रॉबल प्लेइंग 11 होनी चाहिए और पहले मैच में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में किस टीम के साथ इंडिया को उतरना चाहिए, क्या उमरान मलिक, ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। दोस्तों अगर बात करें पहले मैच की इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के तो इंडिया में जो मैंने प्लेइंग 11 बनाया है शायद काफी लोग इससे सहमत नहीं होंगे लेकिन मुझे लगता है ये टीम अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से खेलना है तो कहीं ना कहीं ये टीम के साथ जाना चाहिए। केएल राहुल ईशान किशन के साथ ओपनिंग करना चाहिए। जी हाँ, पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मुझे लगता है जगह अभी नहीं है। फिर 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे आप हार्दिक पांड्या को खिला सकते हैं, 6वें नंबर पे दिनेश कार्तिक, 7वें नंबर पे वेंकटेश अय्यर, फिर यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार। लेकिन अगर पिच में ऐसा लगता है कि एक आध फास्ट बॉलर चाहिए तो आप कुलदीप यादव को बाहर करके अवैश खान को खिला सकते हैं। मुझे लगता है अभी फिलहाल पहले मैच में उमरान मलिक को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि आप 10-12-15 आईपीएल मैचेस के बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी भी प्लेयर्स को इतने जल्दी वो कैप दे देना चाहिए क्योंकि उस कैप का एक रुतबा होता है। ठीक है, आपने अच्छी गेंदबाजी की है आईपीएल में, आपने अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन अभी कुछ टाइम तक उन्हें टीम मैनेजमेंट के साथ रहना चाहिए और सीखना चाहिए क्योंकि उमरान मलिक भले एक अच्छे बॉलर है लेकिन स्पीड है उनके पास लेकिन अभी काफी ज्यादा वो महंगे साबित रहते हैं। तो महंगे साबित होने की वजह से शायद वो काफी लोग कह रहे हैं वर्ल्ड कप में जाना चाहिए बट मुझे नहीं लगता अभी उनको वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए और जो आपके मेन की प्लेयर्स हैं आपको उन्हीं के साथ जाना चाहिए क्योंकि पिछली बार की तरह जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को लेके गए थे सब लोग या राहुल चहर को लेके गए थे वो सही नहीं था। तो इस बार भी मुझे लगता है नए प्लेयर्स को आप ज्यादा मत ले जाएं
और साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर को आप खिलाएं, क्योंकि वेंकटेश अय्यर आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में है, तो उनको आप जरूर खिलाइए। जितने ज्यादा मैचेस खिलाएंगे, वो बंदा अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है, कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं। आईपीएल में मैं मानता हूं कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बट फिर भी आईपीएल के बेसिस पे मुझे नहीं लगता इंडिया टीम का सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये है प्रॉबेबल प्लेइंग 11। इसमें मुझे लगता है उसमें केएल राहुल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर, चहल कुलदीप दोनों को साथ खिलाना चाहिए, एक बार कुलचा की जोड़ी को बैक करना चाहिए, फिर साथ ही साथ हर्षल पटेल, दिनेश कुमार। ये है मेरी प्रॉबेबल प्लेइंग 11। आपकी क्या प्रॉबेबल प्लेइंग 11 है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपको पता ही है क्या क्या करना है। फिर मिलते हैं एक और मैच के एनालिसिस के साथ, और आपको और हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए वन मैट स्पोर्ट्स के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।